हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ चैप्टर टू में, वो है वाउचर। ठीक है, तो वाउचर डिस्कस करते हैं, वाउचर क्या होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले वाउचर का मीनिंग देख लें, या आप कहें तो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली थोड़ी सा आइडिया देता हूं इसके बारे में होता क्या है वाउचर। देखिए, जब भी आपको एक ट्रांजेक्शन होती है ना, आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, आप सैलरी देते हैं, आप गुड्स खरीदते हैं, आप एसेट्स खरीदते हैं, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन एक्स वाई जेड, तो हर ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट हमने आपको पहले समझाया भी है, ठीक है ना। अब सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट को दोबारा ही बता दूं मैं कुछ बच्चों के लिए जिन्हें नहीं वीडियो देखे हैं पुराने वाले। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे आपको आपने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे तो आपको वो इनवॉइस मिला, अगर आपने उधार में खरीदा बिल मिला, या आपने नगद में खरीदा तो कैश मेमो मिला। ठीक है, अब वो जो कैश मेमो या फिर इनवाइस है वो आपके लिए क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, समझ गए, वो जो बिल मिला, जो इनवाइस मिला, वो आपके लिए क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसका आगे क्या होता है, यानी जो बिल आता है आपके पास, ठीक है, इसको आगे क्या करते हैं आप, इस बिल से आप अपने इस बिल को अकाउंटेंट अपने पास रखता है, और फिर अकाउंटेंट क्या करता है, एक फॉर्मेट अटैच करता है इस बिल के साथ। अभी मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं, आगे मैं चेंज करूंगा इसे, एक फॉर्मेट अटैच कर लेता है इस बिल के साथ, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, और उस फॉर्मेट में वो डिटेल्स डालता है कि क्या क्या डिटेल्स थी उस बिल की, इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालता है। ठीक है, फिर उस पर अपने साइन करता है उस फॉर्मेट को बनाकर, क्योंकि उसने बनाया है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट उसको साइन करता है। अब साइन करने के बाद वो जाता है अथॉरिटी के पास, सुपीरियर्स के पास, मैनेजमेंट के पास कह लो, मैनेजर के पास कह लो, जिनके पास अथॉरिटी है, अथोराइजेशन के लिए जाता है कि साहब ये सामान आया था, ये परमिशन दे दें तो मैं इसे आगे पास ऑन कर दूं। अकाउंटेंट जाता है परमिशन के लिए, और अथॉरिटी यानी अथोराइजेशन क्या करता है, उसे साइन कर देता है ताकि वो आगे प्रोसेसिंग में चला जाए, यानी अगर उधार में आया था तो उसकी पेमेंट हो जाए, नगद में आया था तो कोई बात नहीं, पेमेंट तो हो चुकी है, अब उसकी जर्नल एंट्री हो जाए। ठीक है, यानी हम जो बातें करते थे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, उससे पहले भी बैकग्राउंड में कुछ काम होता है। वो क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लगाया जाता है जिसका नाम है वाउचर। वाउचर बनाया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है, उसमें वो डिटेल्स डालता है, डिटेल डालने के बाद वो साइन कराता है, उसका अथोराइजेशन कराता है सीनियर से, क्योंकि अकाउंटेंट सब कुछ खुद नहीं कर सकता, अकाउंटेंट का काम तो केवल अकाउंटिंग करना है, इसे अप्रूव करना, पास करना अथॉरिटी का काम है जो उसे ऑथराइज करेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे की चीजें हम यहीं से करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी भी बता दें यहां क्या लिखा है हमने, यही सब चीजें इसी के बारे में, बस मुझे बताना था, एक लिंक करना था कि सोर्स डॉक्यूमेंट से कैसे आप वाउचर बनाएंगे और वाउचर से कैसे जर्नल पे जाना है। चलिए तो आ जाइए हमारे नोट्स पर, हमने क्या लिखा है जरा देखें, लिखा है वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। वाउचर क्या एक डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, एक फॉर्मेट बनाया जाएगा बिजनेस के द्वारा। ठीक है, किसने बनाया है इसे, बिजनेस ने बनाया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। इट प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन, अब ये क्या प्रोवाइड करता है, मैंने कहा अकाउंटेंट बनाएगा, यानी अब बिजनेस कोई आपको पता है ना, नॉन लिविंग थिंग है बिजनेस, आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस के बिहाफ पर काम कौन करते हैं, उसके एम्प्लॉइज करते हैं बिजनेस के बिहाफ पे काम, तो बिजनेस ने बनाया इसका मतलब है अकाउंटेंट ने बनाया, एक ही बात है। ठीक है ना, अब वो उसने बनाया, उसके बाद उसे ऑथोराइजेशन किया जाता है, मैंने आपको बताया था, ऑथोराइजेशन करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पर जाता है, तो वही हमने लिखा, ये बनाया जाता है बिजनेस के द्वारा, एंड इट प्रोवाइड्स, ये फॉर्मेट, ये वाउचर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ऑथोराइजेशन, ये आपको अथॉरिटी देता है टू पे, इसकी ऑथोराइजेशन के बगैर नहीं पे करते आप, एंड अ बेसिस, और एक बेसिस बनाता है, बेसिस देता है आपको, अपॉन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए बेस भी यही तैयार कर देते करके देता है ये वाउचर, और डिटेल में जाएंगे आपको समझ में आएगा बेस कैसे तैयार होता है। चलिए, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स में, इसका मतलब क्या है, बुक ऑफ अकाउंट से मेरा क्या मतलब, यहां पर जर्नल में लिखा जाता है, जर्नल के बाद आगे चलेंगे कि जर्नल इज अ पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, जर्नल लेजर सब ये बुक ऑफ अकाउंट्स के पार्ट है। आइए, अब इसी चीज को मैंने आपको ये ऊपर अभी पढ़ाया कि
कि ऑथराइजेशन देता है पेमेंट करने के लिए आपको, ये वाउचर हेल्प करता है, ऑथराइजेशन करता है। दूसरा, आपको ये एंट्रीज को एक बेसिस बना देता है ट्रांजेक्शन के लिए, कि ये बेस बन गया, इसके बेसिस पर आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। यानी आप जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें उसके समय आपके पास हाथ में वाउचर होता है, और वाउचर में दो चीजें होती हैं, सपोर्टिंग बिल यानी सोर्स डॉक्यूमेंट और खुद वाउचर। ठीक है, ये दोनों आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जर्नल एंट्री के लिए। चलिए, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आपके पास बिल होता है, इनवाइस होता है, या कैश मेमो हो सकता है, कोई रिसीट है एटसेट्रा। ठीक है जी, इसके ऊपर क्या बनता है, वाउचर बनता है। इसके बेसिस पर वाउचर बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर बन गया। अब वाउचर के बेसिस पर आपकी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, यही बात मैंने आपको यहां लिखी है। अब आगे चले यहां से ना। अब वाउचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं वाउचर की, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, बट फिर भी एक बार दोबारा कर देख लेते हैं, हमने लिखा हुआ है तो रीड कर लेते हैं ना। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स। हर फर्म अपने वाउचर खुद के बनाती है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, किसी ने डेट एक जगह लिखी, किसी ने दूसरी तरफ लिख दिए, तो छोटा मोटा फॉर्मेट में चेंज होगा, बेसिक सब वही होगा। ठीक है, और सभी फॉर्म अपने नाम पर बनाती हैं, यानी जो वाउचर मिलेगा, आप वाउचर देखेंगे उसमें सबसे ऊपर देखेंगे बिजनेस का नाम लिखा होगा। ठीक है, पहली बात हमने समझी। दूसरी बात पर आ जाइए, कहता है सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। एक सेपरेट वाउचर बनाया जाता है हर ट्रांजेक्शन के लिए, ईच ट्रांजेक्शन के लिए, स्पेसिफाइंग, और उसमें क्या लिखा होता है, क्या बता रहा होता है, वो स्पेसिफाई करता है उसके अंदर, वाउचर के अंदर, कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। यानी जर्नल एंट्री से जस्ट पहले का प्रोसेस है कि ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तय करो, सोच लो कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, और उस वाउचर में लिख दो ये बात। ठीक है, तो बात समझ में आई। अगली वाली हमें क्या कहा, हर ट्रांजेक्शन का अपना खुद का वाउचर बनता है, और उस वाउचर में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है। पॉइंट नंबर थर्ड पर चले हम लोग, वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। ये भी बात मैं बता चुका हूं, इसे बनाता कौन है, अकाउंटेंट बनाता है, एंड काउंटर साइंड बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन इन द फर्म। तो जिसके पास भी अथॉरिटी होगी उसे काउंटर साइन करने की, आप इसे कह सकते हैं काउंटर साइंड का मतलब यहां पर आप कह दीजिए अप्रूव, अप्रूव एन ऑथराइज्ड पर्सन। वो कौन करेगा, कोई ऑथराइज पर्सन करेगा, मैनेजर कर सकता है, ऑनर कर सकता है, डिपेंड करता है कैसा नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से। सोल प्रोपराइटर है तो ऑनर करेगा, पार्टनरशिप है तो शायद पार्टनर कर रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रस्टीज कर रहे होंगे, कंपनीज है तो डायरेक्टर कर रहे होंगे, कोई वाइस प्रेसिडेंट कर रहा होगा, मैनेजर कर रहा होगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर फोर पर आए, वाउचर्स आर सीरियली नंबर्ड। देखिए, जो हमारे वाउचर्स होते हैं प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स होते हैं, हम बनवा के रख लेते हैं अपने नाम पर, बिजनेस अपने नाम पर, उन सभी वाउचर्स पर सीरियल नंबर डला होता है। जैसे आपकी बिल बुक होती है ना, अगर आपने देखा हो एक शॉपकीपर दुकानदार अपने पास एक बिल बुक रखता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, एक से लेकर वो स्टार्ट कर देगा और एंड जब तक खत्म नहीं होता उस साल में, या जैसे भी उनकी पॉलिसी है वाउचर बनाने के लिए। ठीक है, तो सीरियली नंबर्ड किए जाते हैं, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, तो सीरियली नंबर्ड होते हैं हमारे वाउचर, एंड रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट आर अटैच्ड विद द वाउचर। कहते हैं पहली बात तो क्या कही कि सीरियली नंबर्ड होंगे, और दूसरा जो रिलेवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिस जो ट्रांजेक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट है, बिल है, इनवाइस है, वो उस वाउचर के साथ अटैच किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगली बात पर आइए, वाउचर्स आर प्रॉपरली फाइल्ड। अभी आपने वाउचर बनाए, होता क्या है, उस बुक से जिसमें वाउचर आपने प्री प्रिंट रखे हैं वहां से इन्हें हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग के लिए फिर दिक्कत आती है, क्योंकि आपने सभी में इनवॉइस को अटैच करना है, स्टेपल करना होता है बिल को, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करते हैं वाउचर को भी हटा लेते हैं वहां से, रसीद उस बुक से, और सोर्स डॉक्यूमेंट तो पहले ही हटा हुआ है, वो तो अलग है, दोनों को स्टेपल करते हैं और एक अलग फाइल में लगाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा हमने, दे आर प्रॉपरली फाइल्ड, उनकी फाइलिंग होती है,
यानी मेंटेन्ड इन फाइल्स, उन्हें फाइल में मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब सर कैसे रखेंगे भाई, सीरियल नंबर के हिसाब से रखेंगे, पहला वाउचर उसके बाद एंड सो ऑन। ऑर्डर तो कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो करना होगा और डेट भी अपने आप आ जाएगा क्योंकि हम जो वाउचर फिल करेंगे वो सीरियल ऑर्डर में है और डेट वाइज होगा। पहला 1 तारीख का है तो दूसरा 1 तारीख का दूसरा बिल आ जाएगा, तीसरा आएगा उसमें वाउचर लगते चले जाएंगे, फिर 2 तारीख पर आएंगे, तो यानी सीरियल नंबर भी होगा और डेट अपने आप अरेंज हो जाएगी, सो दैट ऑडिटर कैन इजिली गो थ्रू देम। ये बात समझिए, हम वाउचर्स की फाइलिंग क्यों करते हैं, उन्हें सीरियली अरेंज क्यों करते हैं। देखिए कल को ऑडिटर, आपको पता है ऑडिटर कौन होता है, जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करने आता है, एग्जामिन करने आता है कि आपने सब कुछ सही लिखा है नहीं लिखा है, जांच करने आता है इनकी। जब कल को वो आएगा और उसे कोई चीज देखनी है, आपने कोई एंट्री कर रखी है कोई जर्नल एंट्री कि इसका बेसिस कहाँ है, इसका बिल दिखाओ लाकर, तो आपने वाउचर नंबर लिखा हुआ होता है जर्नल में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी उसे, ठीक है, आप वाउचर नंबर तक डालते हैं जर्नल में, ठीक है, तो वाउचर नंबर जैसे आपने डाल दिया, अब आपकी जर्नल एंट्री का रेफरेंस है, सो मान लो वाउचर नंबर 121, तो आप फटाफट जाएंगे अपनी फाइल में 121वां नंबर वाउचर निकालेंगे और ऑडिटर को दिखा देंगे, देखिए ये जी बिल है, इसके बेसिस पर हमने जर्नल एंट्री की है, ठीक है। तो क्या करता है ये वाउचर हमारा, इट कैन हेल्प्स इन इजी, नहीं इट मेक्स इट इजी फॉर योर ऑडिटर टू गो थ्रू देम, उसके लिए आसान बना देता है क्योंकि अरेंज है प्रॉपरली, कोई परेशानी नहीं आती। एंड दे मे ऑल्सो सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फ्यूचर, और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बन जाता है फ्यूचर के लिए, कल को कोई कोर्ट केस हो जाता है या और कोई आपके साथ डिस्प्यूट हो जाता है किसी पार्टी का, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि देखिए ये सामान हमने बेचा था या खरीदा था और उसका ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, नहीं तो बिल अगर आप इधर उधर गुम हो जाएंगे, और बिल चलो गुम नहीं होंगे तो उनके ऊपर पता लगता है, कई बार आप वाउचर नंबर से सीरियली अपना डॉक्यूमेंट एक अटैच कर देंगे हर इनवॉइस पर, हर सोर्स डॉक्यूमेंट पर, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। बिल सभी एक जैसे कलर के आते हैं, मानो व्हाइट कलर के बिल आ रहे हैं आपके, आप कई बार हो सकता है स्किप कर दें किसी बिल को, पर जब वाउचर लग गया तो सीरियली ऑर्डर्ड है, स्किप नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये रखे रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, इसलिए क्या है ये आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह भी हेल्प करते हैं फ्यूचर में अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की वाउचर के बारे में, ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर पर। तो आप इन्हें पहले नोट डाउन कर लीजिए, आइए देखिए टाइप ऑफ वाउचर बाद में करते हैं, पहले मीनिंग ऑफ वाउचर को आप नोट डाउन कर चुके हैं ना, तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं आपको, ये आइए ठीक है, ये वाउचर का मीनिंग आ गया। इसके बाद ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते थे, मैंने इसे हेडिंग नहीं दी यहां पर कि ये क्या है, आप इसे कह सकते थे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ वाउचर, ठीक है जी। आई तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स थी, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमने दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो ये फीचर्स हैं हमारी, 5 फीचर्स हमने बात डिस्कशन की आपके साथ, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले पार्ट पर चल रहे हैं इसी में हम, ठीक है। कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं, हमारे चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है, YouTube पे हमारा चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से, यहां पर आपको हमारी सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं YouTube पर आपको यहां मिल जाएंगी, SR अकाउंटेंसी के नाम से सर्च कीजिए YouTube पर और यहां आप हमें फाइंड कर सकते हैं, आप हमें चाहें तो Facebook पर भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से, ठीक है। इसके बाद आप जब वीडियोस देखते हैं हमारे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं या फिर क्वेश्चन कोई कर रहे हैं और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे YouTube पर ही, नीचे वीडियोस जब देखते हैं आप तो नीचे YouTube पर कमेंट कॉलम आता है, वीडियो के नीचे कमेंट कॉलम आता है, वहां कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स और क्वेरीज को मुझे लिख सकते हैं, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा, तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, 9261004x7,
आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। ठीक है, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जाकर देखने में कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है नहीं किया, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उसे प्लेलिस्ट के थ्रू देखा कीजिए। ये मैं क्यों ले रहा हूं इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है कि काफी बच्चे कहते हैं सर आपकी जो वीडियोस हैं चैनल पर एक सीक्वेंस में नहीं है, हमें पता नहीं लग पाता कि चैप्टर टू है, इसके बाद चैप्टर टू में ही क्वेश्चन नंबर फोर कहां मिलेगा क्वेश्चन थ्री के बाद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप जब वीडियोस को देखते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल में पहले प्लेलिस्ट पर आइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज आपके अलग अलग बने हुए हैं प्लेलिस्ट, और उसमें आप सारी वीडियोस सीक्वेंस में है, आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आप प्लेलिस्ट के थ्रू हमारी वीडियोस को वहां पर देखिए। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोगों के लिए, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है तरीका, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज के लिए असेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, और मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा कि किस तरीके से आपने हमारी वीडियोस का एसेस मिल पाएगा आपको। चलिए ठीक है, मुझे यही बातें बतानी थी, अब हम आगे चलेंगे इसके बाद।